आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। बच्चों आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है बिकॉज आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर न्यू फिजिक्स टीचर एंड इट्स माई ऑनर टू इंट्रोड्यूस योर न्यू फिजिक्स टीचर मिस्टर रविराज श्रीकृष्ण सर। बच्चों मैं आपको बता दूं कि वो एक शानदार टीचर होने के साथ साथ ही इज अ ग्रेट मेंटोर एंड अबव ऑल ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। Now, if I talk about his qualification and experience, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि सर ने M.Tech किया हुआ है with 9 years of vast teaching experience. And बच्चों ये जो experience है, this is going to help you a lot in your studies. और हाँ बच्चों मैं आपको बता दूं कि Mr. रविराज सर has qualified lot of competitive exams like GATE and NTA UGC NET. Now, I want to add one more thing. Mr. रविराज सर is successfully running his own educational institution in his hometown Patna named as Tesla Institute for Science and Personality Development. अगर आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पर कहीं भी आसपास रहते हैं तो आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब सीधा बात करते हैं मिस्टर रविराज सर से। नाउ सर इट्स ओवर टू यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे फॉर्म में चल रही होगी। तो सबसे पहले मैं दीपक तोमर सर को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आए। मैं आपको बता दूं दीपक सर हमारे बहुत ही अच्छे कलीग रहे हैं हमारे कॉलेज में, हमने एक साथ पढ़ाया है बच्चों को। और अब ये जो हमारा नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं आपको फिजिक्स के लेक्चर्स लेके आया हूँ क्रैश कोर्स के फॉर्म में, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आएगा। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है बच्चों कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि हमें कितना और इम्प्रूव करना है। और ज़रूर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा और आपको एक अच्छे ग्रेड्स में कन्वर्ट करके देगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी आपके साथ। थैंक यू सो मच।